लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी राज्य स्तरीय प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 14 फरवरी से रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर किया जा रहा है। 21 फरवरी तक नॉकआउट आधार पर चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 4-4 के दो पूल में बांटा गया है। प्रत्येक पूल में टॉप टीम एक दूसरे से फाइनल में 21 फरवरी को खेलेगी। इसके संबंध में अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव और सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने बताया कि विजेता टीम को 75,000 रुपये नकद और उपविजेता टीम को 50,000 रुपये नकद धनराशि के साथ ट्रॉफी एवं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गेंदबाज के साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट की धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन और अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी अपना जो क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी के सेकंड हाफ में कराती है, ये UPCA में एक रजिस्टर्ड हम लोग की वो है डेट ब्लॉक है, उसके तहत हम लोग 14 फरवरी से 21 फरवरी तक 40 ओवर का वाइट बॉल से क्रिकेट मैच जो है आयोजन कर रहे हैं। हर बार ये आयोजन नेशनल होता था, लेकिन कोविड और बाकी वजहों की वजह से ये आयोजन इस बार राज्य स्तरीय होगा। हर डिस्ट्रिक्ट की 8 जो मुख्य टीमें हैं उत्तर प्रदेश की, वो इसमें भाग लेंगे। एक टीम गोरखपुर की होगी, एक टीम जो NER जिसके ग्राउंड पे हम लोग का मैच होता है वो होगी, एक लखनऊ की टीम है, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, बनारस, और 8वीं टीम होस्ट टीम जो है लक्ष्य की टीम होगी। ये सारे के सारे आयोजन रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पे किए जाएंगे। ये प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें विनर टीम को 75,000 रुपये, रनर को 50,000 रुपये इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज का जो इनाम है वो 11,000 रुपये है। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन 5,000 रुपये दिए जाएंगे। हर मैच में हम लोग जो मैन ऑफ द मैच देते हैं वो आपके और हमारे मित्र पत्रकार योगेश्वर सिंह जी के नाम पे हम लोग देते थे और इस बार भी ऐसा ही करेंगे, वो 1100 रुपये। देखिए, इस प्रतियोगिता का हमारा तो मेन मकसद, हमारे लक्ष्य एकेडमी खोलने का ही मकसद यही है कि हम इस प्रतियोगिता के थ्रू और अपनी एकेडमी के थ्रू गोरखपुर से जितनी भी प्रतिभाएं निकलती हैं उसको हाईएस्ट लेवल पे ले आने की, सबसे ऊपर ले आने की कोशिश करें। तो ये प्रतियोगिता का मेन मकसद ये है कि हम गोरखपुर के बच्चों को जो यहाँ पे हैं हमारी एकेडमी में, दूसरी एकेडमीज में हैं, उन सारे बच्चों के लिए किसी तरह से एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं कि आप आइए, आप अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को सुधारेंगे जिस तरह से, उसी तरह से आप और ऊपर भी जाएंगे। और हमारी प्लानिंग है कि इधर हम दो साल के अंदर हमारी प्लानिंग इस बार की है कि हम लोग कोशिश करें कि कम से कम रणजी या इसके ऊपर लेवल पे अपने बच्चों को पहुंचाया जा सके, जो अभी तक गोरखपुर में बहुत कम ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे आते तो हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पाते हैं, या कर पाते हैं तो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। इस बार हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ही चैम्बर में उनको रख के, एक ही जगह पे बच्चों को करके उनको ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए जिससे बच्चे अपने आप मेहनत करके ट्रेनिंग के साथ सबसे ऊपर लेवल को छूने की कोशिश करें। मकसद हमारा केवल यही है।